हमारे सामने बॉलीवुड के छोटे एक्टर्स का टैलेंट उस वक्त सामने आया जब OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज और वेब सीरीज बनने लगी थी, लेकिन इसमें हमें कभी भी बॉलीवुड का कोई भी बड़ा एक्टर नजर नहीं आया या फिर वो काम भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन बॉलीवुड के अंदर जितनी भी बड़े पर्दे पर मूवीज बनती है या तो वो साउथ की या फिर हॉलीवुड की रीमेक होती हैं। लेकिन अब बात थोड़ी अलग है, बॉलीवुड के बड़े एक्टर साउथ इंडियन मूवीज में काम करने के साथ साथ वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। इन सब के अंदर अजय देवगन ही एक ऐसा एक्टर है जिसने पहले साउथ की मूवी RRR में काम किया और अब एक वेब सीरीज लेकर आ रहा है। रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है और इसके 6 एपिसोड हैं। ये कहानी बेस होने वाली है सीरियल किलर्स पर और इनको लोगों को मारने में मजा आता है और इनको रोकने के लिए आता है रुद्रा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस की शक्ल में आपको बॉलीवुड की तरफ से कोई नई चीज देखने को मिलेगी तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भी एक रीमेक है एक वेब सीरीज रूथर का। मैं तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर की, क्योंकि उसने हमें ट्रेलर के अंदर वेब सीरीज के बारे में कुछ ही नहीं बताया, लेकिन इसके बरक्स बॉलीवुड के दूसरे ट्रेलर के अंदर हमें पूरी कहानी बता दी जाती है और इसके जरिए ईशा देवल और राशि खाना भी ये बॉलीवुड में अपना कैमियो कर रहे हैं। ये थे मेरे ओपिनियन रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस को लेकर। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं, या फिर कुछ भी देखकर या सुनकर मजा आया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना इस चैनल को।